नमः महेश्वर दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 22 जून 2024 को आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर 22 जून 2024 को राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, लेकिन जो इस नक्षत्र के देवता हैं भगवान शंकर माने जाते हैं। और 6 जुलाई 2024 तक सूर्यदेव जो हैं आद्रा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। जब सूर्य का इस नक्षत्र में प्रवेश होता है तो इस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन माना जाता है। भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो फसल बोने के लिए भी उत्तम दिन माना जाता है, वर्षा भी होने लगती है। तो कन्या राशि वाले जातकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके जीवन में इस नक्षत्र परिवर्तन से कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सूर्यदेव को सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और इनको समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक भी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में या किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर सूर्यदेव अगर अनुकूल अवस्था में, शुभ अवस्था में विराजित हो तो जीवन में अपार करियर में सफलता देखने के लिए मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से परिवार जनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होता है और सूर्यदेव अगर अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो जातक के जीवन में सभी क्षेत्रों में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में करियर के शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है और उसमें उसे सफलता भी मिलती है। और यही सूर्य अगर जन्म कुंडली पे नेगेटिव अवस्था में विराजित हो और समस्याएं ज्यादा जीवन में निकल के आती है, हड्डी का टूटना, भूख न लगना, साथ में आंखों का रोग, चर्म रोग की समस्या, पीलिया की बीमारी और सूर्य का कमजोर प्रभाव कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव को भी देने लगता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आद्रा नक्षत्र में मौजूद सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं। 22 जून 2024 को आपके दशम भाव में ये बुध के साथ भी मौजूद रहेंगे और नक्षत्र परिवर्तन भी करके आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव दशम भाव पर दिशा बल प्राप्त करके गोचर करने वाले हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को कई प्रकार की शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातक, कर्म क्षेत्र के मामले में राहु के नक्षत्र में प्रभावित सूर्य आपको विशेष परिवर्तन और नयापन देने वाले हैं। कन्या राशि के जो जातक अपने जीवन में लगातार उतार चढ़ाव करियर में महसूस कर रहे हैं या व्यापार में आपको कड़ी मेहनत के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो यहां पर आपके जीवन में व्यावसायिक मोर्चे पर भी सहजता मिलने वाली है और कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में सूर्यदेव धन की प्रबल वृद्धि करवाने वाले हैं, क्योंकि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 6 जुलाई के पहले ही सूर्यदेव आपके जीवन में प्रबल वृद्धि भौतिक सुखों के ऊपर करवाने वाले हैं। सूर्य का दशम भाव में गोचर होना आपके जीवन में न केवल आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा बल्कि आपके जीवन में अप्रत्याशित धन का लाभ भी देने वाला है। यानी कन्या राशि वाले जातक, यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में नवीन धन के मार्ग भी प्रशस्त होने वाला है। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को एक खास बात का ध्यान जरूर रखकर चलना होगा
सूर्य राहु के नक्षत्र में हैं, रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा असहज महसूस कर सकते हैं। यानी हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्तमान में राहु देव भी आपके सप्तम भाव में विराजित हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में भी संभल कर चलना चाहिए और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से भी ये समय जो रहने वाला है वो आपको मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। और यहां पर हम आपको बता दें कि कन्या राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं सेहत के प्रति तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कन्या राशि वाले जातकों वर्तमान में जो राहु देव की अवस्था है, आपके लगन पर राहु की जो दृष्टि पहुंच रही है, इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को सेहत के प्रति लापरवाही भी नहीं करना है। और कन्या राशि वाले जातकों को सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय काफी शुभकारी परिणाम देगा। अब कन्या राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को सूर्य जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्य को मीठा जल अर्पित करना आपके जीवन में काफी शुभ रहने वाला है। आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं भगवान शंकर माने जाते हैं, भगवान शिव को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें, या आपके घर में खुद गाय मौजूद है तो गाय के लिए सुविधा करना चाहिए, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना, हरा चारा डालना काफी शुभकारी रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।